नंबर 51 जहां पर भिड़ रही हैं ऐसी टीमें जो एक है टेबल के टॉप पर और एक है सबसे निचले स्थान पर। गुजरात भिड़ रहा है यहां पर मुंबई के साथ, चांसेस खत्म है मुंबई के, गुजरात के चांसेस फिक्स हैं यहां पर। तो हर चीज में बिल्कुल उल्टी हैं टीमें। एक लीड कर रहे हैं यहां पर गुजरात के जो कप्तान है वो पिछले कई सालों से मुंबई के कोर मेंबर थे, आज लीड कर रहे हैं गुजरात को बहुत बढ़िया तरीके से। प्लेइंग 11 जो आ रहा है वो लास्ट मैच से इंस्पायर है। मुंबई इंडियंस का कॉल हेड्स का आता हुआ, हम बने यहाँ पे गुजरात टाइटंस जिन्होंने टॉस जीता है और हम जा रहे हैं रन चेस के साथ। प्लेयर्स की पड़ रही है एंट्री, ब्रेबन का मैदान यहाँ पर तैयार है मुंबई वर्सेस गुजरात के धमाकेदार मैच के लिए। और आप लोगों की लाइक की एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ, 1500 लाइक का चैलेंज है भाई, मिलकर गुजरात मुंबई के फैंस, आईपीएल के फैंस, क्रिकेट फैंस भाई बना दो रिकॉर्ड 1500 लाइक का। मोहम्मद शमी क्या एक गेंद पर, ये लैग क्यों हो रही है, ठीक है फर्स्ट बॉल बाउंड्री लगा दिए कप्तान शर्मा, परफॉर्मेंस है यहाँ पे गुजरात के गेंदबाजों का, परफॉर्मेंस आया है निकल के। 134 पे गिरा दिया चार, सूर्य कुमार को आउट नहीं कर पाए वरना आई थिंक एक या दो, एक तो मतलब गिरती आई थिंक दो भी गिर जाती, छह तक गिर सकती थी विकेट। 15 ओवर 134 पे चार मुंबई। प्रदीप सांगवान क्रिकेट 22 में यहाँ पर फर्स्ट शॉट ही टिम डेविड का छह के लिए जाता, वो भी परफेक्ट है। ये टीम ने तेज गेंदबाज को चुना था, देखो देर सवेर मुझे तेज गेंदबाज यूज करने ही था, ठीक है एक प्लेयर को लगाओ स्क्वायर की लाइन पर, दो सिक्सेस बैक टू बैक रन रेट 9.5 के ऊपर जाता वो। पिच पे क्रैक्स तो हैं, कितना फायदा उठाते हैं वो देखना होगा। अभी फील्डिंग मैंने चेंज की थी यहाँ पे पॉइंट पर से और अगला शॉट उसी दिशा में जहाँ पर चेंजेस किए थे। चार रन टिम डेविड के नाम, तीनों शॉट्स बड़े बड़े, 16 रन। आखिरी गेंद अगर सिक्स लगता है जो कि नहीं लगा है, बट बाउंड्री लगाने में कामयाब हुए, सिर्फ 2 रन का अंतर रह गया है 10 के अंदर से। अरे यार यहाँ गेंद नहीं डालनी थी, गलती से चली गई है और यहाँ पर रन रेट जो मैं कब से कहता 10 10 10 10 10, सूर्य कुमार यादव ने करवा दिया। लेट्स सी अब अपनी पसंद की लाइन पे डाल रहे हैं, अब क्या होगा, एजेस हैं डॉट हैं सही है। एक प्लेयर अग्रेशन दिखाता है, दूसरा भी यहाँ पे अग्रेशन दिखा रहा है, ये गुजरात के लिए टेंशन की बात है। पिछला मैच हारे थे पंजाब से, एक और हारना नहीं चाहेंगे, उनको रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और दिख सकता है पहली गेंद से ही कि हम नाकामयाब हो रहे हैं। सिक्स लगा दिया, मैं वही सोचा था आई थिंक इस ओवर में एक भी सिक्स नहीं लगेगा, बट डेविड के रहते ये पॉसिबल है नहीं। आखिरी गेंद निराशाजनक एंड हो रहा है और जी हाँ पूरा ओवर ही निराशाजनक, 2 चौके 2 छक्के 1 सिंगल, 50 पूरा 19 गेंदों में टिम डेविड। आखिरी 3 ओवर्स के लिए यहाँ पे अलजरी जोसेफ एक्स्ट्रा बाउंस बीट यादव, सेकंड बॉल क्या फिर से बीट, जी नहीं गैप में से 4, फील्डिंग बुरी तरह से फ्लॉप होती हुई, चौके छक्के सब लग रहे हैं। सबसे बेस्ट ओवर 8 रन सिर्फ, लेकिन लास्ट बॉल को दिशा दिखाई 4 की, पॉइंट पर से ऐड करेंगे, कोई भी ओवर 10 के नीचे नहीं, हालत तो ये थी कि 15 के नीचे कोई नहीं था, यहाँ पहली बार 12 आए। दार फॉर्म में नजर आ रहे हैं लॉकी, फर्स्ट बॉल पर ही उनका बॉलिंग का हाल बिगाड़ते हुए, चौके के साथ बच गया, ये ऑलमोस्ट 6 का एफर्ट था। ऑफ साइड पर रखो, खेल लेते हैं ऑफ साइड पे, लेग साइड पे रखोगे तो लेफ्ट साइड पे, स्ट्रेट शॉट यूज़ नहीं किया गया तो फील्डिंग में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइनली पॉइंट हम लोग डीप खेल रहे हैं, सामने तो खेल ही नहीं रहे। 15 रनों का ये ओवर एंड हो रहा है एजिस पे बाउंड्री के साथ, 19 रन, 85 पर याद हो, लेकिन स्ट्राइक लास्ट ओवर में नहीं है, नसीम मुझे नहीं लग रहा हो पाएगी सेंचुरी। जिस तरह का बॉलिंग फॉर्म रहा है शमी का, गेंदबाजी देने की इच्छा तो नहीं है, बट हम पुराने फॉर्म के हिसाब से दे रहे हैं और देख सकते हो आप एआई की, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्ट्रेट में फील्डिंग हटाया है, पिछले शुरुआत की 18-22 गेंदों में एक भी स्ट्रेट शॉट नहीं था और अब फाइनली यहाँ पे 2 बैक टू बैक स्ट्रेट शॉट लेते हुए यहाँ पे 4 भी मिल गया है। 38 पे खेल रहे हैं और ऊंचे से ऊंचा जितना खेल सकते हैं खेलते हुए टिम डेविड, सरप्राइज बैटिंग परफॉर्मेंस, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ पे कि अंत तक खेलेंगे। शुरू में एक ओवर कोई भी खेल सकता है और सारी ओवर्स खेलना इंप्रेसिव, वेरी वेरी इंप्रेसिव बैटिंग यहाँ पर टिम डेविड की। यॉर्कर डालनी तो नहीं चाहिए बट मत डाल भाई, स्ट्रेट बाउंड्री स्ट्रेट बाउंड्री। और मैं बता दूं गेम में कोई अपडेट नहीं आई है बट एआई हर मैच में अलग अलग तरीके से बैटिंग कर रहा है, अब वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा और एक तरह से सही भी है कि हर बार अलग ढंग से खेलें। डैमेज और लीजिए डैब, बीट होने के बाद अगली गेंद जा रही है 6 रन, बहुत दिनों बाद ये बग देखने को मिला है क्योंकि इतना अच्छा खेल रहे हैं, सारे शॉट क्लीन हिट मार रहे हैं तो बग वाली बात आई नहीं रही, पर फाइनली आया था वो पहली गेंद पर पहले ही शॉट पे बग दिख गया है।
कैच था पता नहीं। जरात की तो लग गई है भाई, व्हाट। लास्ट गेंद पर भी कोई दया नहीं। डेविड ने लास्ट बॉल पे सिक्स के साथ 236 मुंबई का स्कोर पहुंचा दिया है। सुपर सुपर सुपर, ये असली मुंबई इंडियंस बैटिंग परफॉर्मेंस है। स्कोर कार्ड कुछ ऐसा रहा है यहाँ पर दिखाने में, देख सकते हैं आप टिम डेविड और सूर्यकुमार। हाँ, डेविड आगे निकल गए खेलते खेलते, सूर्यकुमार से लगभग आधी गेंदें खेली हैं। वहाँ पे पंड्या दो विकेट के साथ टॉप गेंदबाज रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इतना मुश्किल स्कोर ऑन द पेपर मुंबई कैसे चेस करता है। कहना चाहिए था मुझे कि मुंबई कैसे डिफेंड करता है। आ रहा है गुजरात यहाँ पर अपने ओपनर्स के साथ, साहा और शुभमन गिल, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह। फर्स्ट बॉल मुझे तो गैप दिखाई दे रहा है, एक तो इनका रनिंग इतना स्लो है ना। अबे लैग नहीं, ओ भाई गंगाली में आटा गीला। यहाँ पर 236 के सामने पहली गेंद पर ही कैच उछला है यहाँ पर बैक फुट पे। इतना धीरे से आ रहे थे, इतनी ऊंची गेंद डाली है क्या बताऊं। और ऊपर से लैग दादा यहाँ पे भाई हमारा विकेट दिलवा दिए। मुझे नहीं मालूम वीडियो में लैग दिखाई दिया है कि नहीं, और गर्दन भी बग आ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार इस गेम में। पर ये देखो शुभमन गिल गोल्डन डक, विकेट के मामले में इज्जत बच गई है। रन भाई 100 रन और 99 100 करने, ऑलमोस्ट 100 करने। साहा और पंड्या के ऊपर है जिम्मेदारी। पंड्या ओपी खेल रहे हैं 43 में 76। हालात ये हैं, हर बॉल पे आपकी आपको पिटाई करनी है। बैकफुट पर खेलते हुए शॉट, इस बार दिशा थोड़ी सी मिस कर गए हैं। फाइन लेग उतना भी नहीं है, स्क्वायर के ज्यादा करीब से जोड़ेगा दो। हालत है पर गेम तीन से ज्यादा की, तो दीवान के लिए यहाँ पर चिंता चेहरे पे दिखी रही है। स्पिनर के होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें तीन गेंदें लग गई हैं पहली बाउंड्री के लिए। तीन का आंकड़ा छूते हुए यहाँ पर हार्दिक पांड्या, और जैसे ही 80 के पार हुए गेंद को 6 के पार पहुंचा दिया, बाउंड्री के पार पहुंचा दिया डायरेक्ट। और इसी की जरूरत है, स्पेशली स्पिनर को तो छोड़ना ही नहीं है भाई, उनकी तो हर बॉल बाउंड्री जानी चाहिए। मतलब 20 24 20 20 अप होना चाहिए इसको तो सही होगा। फिर दो गेंदों पर भी सिर्फ बड़े ही बड़े खेलने की इच्छा थी। तीनों चीजें आइडियल हैं, लेकिन आप शॉट की हालत देख सकते हो क्या है। डबल बाउंड डबल पिच करके बाउंड्री है। बुमराह के दो ओवर बचा के रखे हैं, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कहाँ मारूँ, कवर मारूँ पॉइंट मारूँ। मतलब एक माइंडसेट होता है ना, मैं अभी कहाँ माइंडसेट रखूँ यही नहीं समझ में आ रहा। ऊपर से एक्शन इतना अजीब, सीरियसली अजीब लग रहा है। दौड़ते इतना धीरे, डालते इतना तेज है, वाइड यॉर्कर पर बीट करा दिया है। 6 जाना चाहिए था या 4 जाना चाहिए था। पंडे आए हैं तो भाई उम्मीद बड़ी है यार, एक्शन सीरियसली बहुत ज़्यादा माथे का दुखावा है। एजेस और वन ऑफ द फाइनेस्ट कैच यहाँ पे देखने को मिला है, और मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक टिम डेविड ने ही कैरी किया है। पूरे वक्त हवा में थे जब गेंद को कैरी किया था, ऊपर से उल्टे हाथ की तरफ आया था, लेफ्ट हैंड की तरफ कैच आया था। गली जैसी पोजीशन में खड़े थे, सीम देखी और जबरदस्त भाई, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैच इस पूरे सीजन का 51 मैच का। हर बॉल पे 4, ये है अभी का रिक्वायर नहीं होने वाला है। हर बॉल पे 4 अर्ली खेला है, कैच का कॉल दिया जा रहा है और थोड़े अंतर से मिस किए हैं। बाउंड्री लगी है, लेकिन मैं बता दूं रन रेट बहुत करीब है पर बॉल बाउंड्री के लिए। थोड़ा अर्ली खेलना है, अब देखते हैं क्या गेंद आती। बाउंसर सोच ही रहा था, बाउंसर आई नहीं भाई इस ओवर में। एक भी वाइट बॉल, दो रन नहीं यॉर्कर आई है पैरों की तरफ से, और भाई अर्ली खेल गए हम लोग। ये 144 का पेस नहीं था, 138 के आसपास रोका था इन्होंने, और उसी के कारण अल्ली हो गया हमारा शॉट। और ईशान किशन भाई फील्डिंग मुंबई का बहुत ही जबरदस्त। आई थिंक वो वाला जो कैच था डेविड वाला, वो भी आई थिंक कैच ड्रॉप हो सकता था, ये भी कैच ड्रॉप हो जाता तो हम यही कहते हैं कि बहुत मुश्किल कैच ड्रॉप हुआ है। बट यहाँ पर कैरी करके गए हैं दोनों को, और मिलर भाई लेफ्ट हैंडेड आउट। कॉन्फिडेंस देखिए कप्तान का, पूरा लेग साइड मिड विकेट पूरी लाइन खाली है, इसके बावजूद हम लोग बीट हुए। कह रहा है फुटवर्क गलत है मेरा, किसको दे रहा है थ्रो? अच्छा यही दे रहा है, मुझे लगा बाउंड्री लाइन पे किसी को दे रहा है थ्रो। अगर ये बैटिंग पिच है तो मेरे से कहा। ओ कीपिंग देखिए, कीपिंग देखिए, क्या गजब की कीपिंग कर रहे हैं। दो ले लेना था, एक आया वाइड भी मिलेगी। बीट स्विंग देखिए जबरदस्त। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर ये बैटिंग पिच नहीं है, जो कि लग रहा है बैटिंग पिच नहीं है ये, तो मुंबई इतने रन मार कैसे गया। बाय का 41 में 65, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस एकदम खत्म सा हो गया इस इनिंग का, क्योंकि जिताने में नाकामयाब रहे हैं। एजेस बच गए इस मामले में कि गेंद पहले गिर गया है। किरण पोलार्ड मीडियम पेसर, तो भाई सीधी सी बात है गेंदें कीपर तक जाएंगी नहीं, डीप में थे कीपर तो।
5 for is loading. Jasprit Bumrah, right arm over. क्या पेस 146. मैं बता दूं आपको, स्लोवर में 138 तक गए थे ये, तो आप गैस कर सकते हैं कितना दिक्कत हो जाता है जब ये अपनी स्लोवर डालते हैं. 3 में 3, बाउंसर गेंद, लेट कट, प्रैक्टिस करा रहे हैं या फिर यहाँ पर भाई और बेहतर करा रहे हैं इनकी फील्डिंग. एक और डाइविंग कैच देखने को मिला है यहाँ पर पॉइंट पर से, और मुंबई की फील्डिंग आई थिंक अगर उल्टा आईपीएल होता तो शायद मुंबई को सब कहते हैं कि इस बार भी मुंबई जीतेगा. इस तरह का परफॉर्मेंस हमारे गेम प्ले में देखने को मिल रहा है. और देख सकते हैं सूर्यकुमार यादव ने यहाँ पर इस बार शानदार कैच लिया. तेवटी आउट. इस ओवर के मैच में हाईएस्ट विकेट रहे हैं 5. बुमराह 6 निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कितना लॉपटेड लेता हूँ मैं. और 6 विकेट, और कोई लॉपटेड नहीं था. बैकफुट पर खेल रहे थे, पॉइंट पर खेलना चाहते थे ग्राउंड शॉट, लेकिन यहाँ पर लग गए इनसाइड एज. 6 विकेट बुमराह ने ले लिए गुजरात के सामने. यहाँ पर मुंबई का जलवा बरकरार रहता हुआ पूरे मैच में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तो भाई बहुत अलग. रन अप कर रहे हैं 7वें विकेट के लिए. 6 की 6 विकेट इन्होंने ही निकाली. अब अभी इस तरफ में अभी मेरा ध्यान गया इस तरफ. लास्ट बॉल पे सिंगल, 2 ले ले, ले लिया. किशन उठ ही नहीं पा रहे. मैच अब कॉमेडी बनेगी. मैच हार गए लेकिन हम लोग. लास्ट ओवर आ रहा है, लेट्स सी किसको मिलता है. दीप सांगवान अर्ली आ रहे हैं गेंद के ऊपर. रन आउट का चांस है बचते हुए यहाँ पर. आखिरी 3 गेंद. यॉर्कर, सबको बताइए यॉर्कर पे हम क्या करते हैं. लॉफ्टेड लेते हैं जितनी दम है. 6 के 7 यहाँ पर हम मैच खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, बट बहुत देर हो गई. यॉर्कर एक और, हाल वही यॉर्कर पे जो करते हैं 6 रन बैक टू बैक, और इस बार काफी अच्छी खासी दूरी 80 पे पहुंच गए. बुमराह अगर नहीं होते ना सही में दिक्कत हो जाती शायद, मेरे को तो लग रहा है जिस तरह का ये ओवर गया है. अगर बुमराह नहीं होते तो दिक्कत हो जाती. शाह ने अपना स्कोर काफ़ी बढ़िया कर दिया लास्ट बॉल पे 3 बड़े 8 के 7, लेकिन हिस्से में गुजरात क्या है ये हार. अभी आप जो रैंकिंग देख रहे हैं ना या देखेंगे स्क्रीन पे, मैं बता दूं भाई उल्टा हो गया रैंकिंग. मुंबई का जो परफॉर्मेंस है एक्चुअली रियल में गुजरात कर रहा है, और जो इस गेम में गुजरात का परफॉर्मेंस है वो रियल में मुंबई कर रहा है, तो उल्टा हो गया यहाँ पे. और भाई बुमराह ने रिकॉर्ड तोड़ दिया विकेट लेकर, विकेट लेने के मामले में. और यही हमारा गेम प्ले भाई. रात को मुंबई जीतने वाला है, गुजरात को बैक टू बैक हार मिलने वाली है. 3 बजे आप लोगों से लाइव स्ट्रीम में भी मुलाकात होगी रियल क्रिकेट 20 के साथ. अगर रिकॉर्डिंग के वक्त तो अभी रियल क्रिकेट 20 है, और आरसी 20 की कोई दूर दूर तक खबर नहीं है, तो आप समझो आरसी 20 के साथ ही मुलाकात होगी 3 बजे के आसपास. तो मिलते हैं. लाइक गोलियार 1500 का है, प्लीज़ लाइक कर देना. मुंबई की फील्डिंग के लिए आई थिंक ये वीडियो याद रखा जाएगा. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में. ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय. Good day.